सबसे पहले समस्त पश्चिम बंगाल की जनता को मैं नवरात्रि की द्वितीय तिथि पर दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं यही काम करने के लिए सुबह गुजरात से निकला और छत्तीसगढ़ होते हुए आज बंगाल आया हूं, केवल और केवल मां दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करना। और जिन्होंने हमारे शास्त्रों की माने तो ब्रह्मांड में हमेशा सदशक्ति की रक्षा के लिए अनेक युद्ध करकर रक्त बीज से लेकर शुंभ निशुंभ तक अनेक आसुरी तत्वों का विनाश करने का काम किया है। ये 9 दिन पश्चिम बंगाल के लिए दीपावली से भी बड़ा महोत्सव के 9 दिन होते हैं। पूरा बंगाल पंडाल में मां की भक्ति में लीन होता है। पूरा देश नवरात्रि में अलग अलग स्वरूप से मां की आराधना करता है। कहीं गुजरात में मां का मंडप सजाकर भक्तिगान करते हैं, पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा का पेंडोल लगाकर शक्ति की पूजा करते हैं, उत्तर भारत में भी अनेक धर्म विधि विधान से शक्ति की आराधना करते हैं। आज मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं, मैं पश्चिम बंगाल में आऊंगा भी, राजनीति की बात भी करूंगा और यहां परिवर्तन करने के लिए पूरा जोर भी लगाऊंगा। परंतु आज मैं केवल जो राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही उत्तर कलकत्ता के पंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन यहां पर कलकत्ता वालों ने कर दिया है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और आज पंडाल में जाकर मां के सामने समग्र बंगाल की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी करूंगा और बंगाल में से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हम सबको मां दे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। आज मंच पर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी यहां पर उपस्थित है। बंगाल के अंदर हर क्षेत्र में सेवा और धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठनों से महात्मा जन उपस्थित है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तर कलकत्ता का ये पंडाल राम जन्मभूमि का मंदिर बनने से पहले आज समग्र विश्व में राम मंदिर का मैसेज ये दुर्गा पंडाल के माध्यम से भेज रहा है, इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।